हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए आए हुए हैं ब्लूमैन बेरी फार्म में। तो अभी आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या बेरी पिकिंग के साथ साथ और भी क्या क्या एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। तो चलिए लेट्स गो इनसाइड। तो अभी यहाँ पे अंदर आए तो ये देखिए एक बड़ा सा स्टैचू ने बनाया है स्ट्रॉबेरी का, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे बी राइड चल रही है, तो ये ग्रोन अप्स के लिए भी है और किड्स के लिए भी है। तो ये यहाँ पे क्यू लगी है उनकी एंट्री करने के लिए। और ये यहाँ पे बच्चों के लिए ऐसे ड्रम लगाए हैं और ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट टाइप के हैं। और यहाँ पे ऐसे फूड ट्रक भी हैं, तो अगर कुछ खाना है तो आप यहाँ से लेके खा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए। तो अभी यहाँ से आगे जाएंगे और फिर हमको वो बास्केट मिलेगा जिसमें हम अपना स्ट्रॉबेरी पिक करके रख सकते हैं। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पे जाते हुए देखिए, यहाँ पर रेड कलर के बोर्ड में उन्होंने स्ट्रॉबेरी के बारे में कुछ फैक्ट्स लिखे हैं। सो इट्स गुड फॉर किड्स टू लर्न एंड रीड अबाउट इट। और ये यहाँ पे शार्वी रीड कर रही है। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे पेल्स रखे हैं तो फॉर कलेक्टिंग द स्ट्रॉबेरीज। तो स्टार्टिंग में मैंने बास्केट बोला था, बिकॉज लास्ट टाइम हम जिस फार्म में गए थे तो दे गेव अस द बास्केट्स, बट यहाँ पे पेल्स रखे हुए हैं। और ये यहाँ पे दो बंदे खड़े हुए हैं, तो आप जो भी स्ट्रॉबेरी लेके आएंगे, पिक करके आएंगे, देन यू कम हियर एंड दे विल टेक द वेट। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू वेट वी हैव टू पे, इट्स लाइक $4.99 पर पाउंड है। तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। अभी हमें यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फार्म में अंदर आ गए हैं यहाँ पिक करने के लिए स्ट्रॉबेरी। तो आप ये देखिए, यहाँ पूरे चारों साइड दिख रहा है, पूरा स्ट्रॉबेरी लगी है। यह पूरा ऐसे रो में उन्होंने पूरा स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग की है। और यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज आपको दिखेंगी, रेड रेड। काफ़ी बड़े एरिया में किया इनने, ये देखिए पूरा जो है ये पूरा पूरे में ये सारा स्ट्रॉबेरी प्लांट्स हैं। ये देखिए कौशल, कुछ मिली स्ट्रॉबेरी? अभी हम जस्ट आए हैं, तो बस अब देखते हैं पूरे में चेक करेंगे। अभी तो यहाँ पे लाइक छोटी छोटी हैं, लाइक आई थिंक वी विल गो दैट साइड, वहाँ पे हमको मिलेंगी। आते साथ मुझे ये चार स्ट्रॉबेरी मिल गई रेड रेड। अभी और आगे चल के देखते हैं और मिलेंगी। तो चलिए। और ये यहाँ पे शैली है, तो बड़ी क्यूट लग रही है। और ये नाइशा शार्वी भी अपना लगे हैं स्ट्रॉबेरी कलेक्ट करने में। इनका अलग ही इंजॉयमेंट चल रहा था, दोनों जन अपना अलग ही घूम रहे हैं बिल्कुल, और कलेक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉबेरीज। शो मी। ये देखिए यहाँ पे ये छोटी छोटी लगी हैं, एक ही मिली मुझको रेड रेड स्ट्रॉबेरी। और भी है, तो देखिए छोटी छोटी सी। आई एम सॉरी, हमारी स्ट्रॉबेरी उड़ गई, उसको डिस्टर्ब हो गया। काफी लोग आए हुए हैं आज, ये देखिए सबको ये अपना स्ट्रॉबेरी पिकिंग करने में लगे हुए हैं। और वेदर भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का, तो ये काफ़ी बड़े एरिया में इनने पूरा फार्मिंग की है स्ट्रॉबेरी की। तो आपको दिखाते हैं पूरा एरिया, देखिए
ये वाले बैच में मेरे को काफी सारी छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज मिल गई, रेड रेड इतनी यमी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी इसको खा लिया जाए, बट पहले इसको वॉश करेंगे फिर खाएंगे। Hi. Hello. Hi, Sharvi. Hi. How many strawberries did you get? I don't know. Wow, you picked so many strawberries. And you are eating too? Do you like them? How is it? Is it sweet? Yeah. This much sweet. This much sweet? Oh, very nice. तो अभी हम यहाँ strawberries सारी wash कर रहे हैं क्योंकि सबको, बच्चों को और हमको सबको ही खानी है। How's the strawberry? Very sweet. कैसी लगी सुमेधा? बहुत मस्त है। मीठी है? एकदम। अनायशा, do you like strawberry? Yeah. How is it? Is it sour or is it sweet? Sweet. Sweet? This much sweet or this much? This much. Oh wow. Now we are returning, so we are done with the strawberry picking. ये है हमारी cute सी छोटी सी strawberry. चिकू. राइड के लिए क्यू में खड़े हैं, तो ये देखिए अभी ये यहाँ से ऐसा राइड करवा रहे हैं, अभी हमारा नंबर आएगा अभी नेक्स्ट टर्न में। तो ये अभी स्लो राइड हो रही है, तो इसमें सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके बैठे हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्लो राइड है और फास्ट राइड है फॉर द बिग किड्स। तो अभी हम नेक्स्ट राउंड में हम लोग जाएंगे अनायशा और शार्वी को लेके, सो अभी हम जा रहे हैं। तो ये तीन और चार राउंड कवर करते हैं इच राइड पे। You had fun? Yeah. I jumping jack the ride. You had fun, Sharvi? तो यहाँ पे ओपन एरिया में ऐसे टेबल्स लगी हुई हैं, आप आके यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। ये लाइव म्यूजिक चल रहा है, तो एडल्ट्स के लिए भी है कि वो थोड़ा एंटरटेन हो सकते हैं, आराम से बैठ के खा पी सकते हैं। और ये यहाँ पे इस तरफ सारी बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं, ये स्लाइड बनाई है उनने और ये इस टाइप से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ड्रम्स हैं, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों को करने के लिए यहाँ पर, काफ़ी अच्छा है ये देखिए। और ये काफी सारी प्ले एक्टिविटीज रखी है उनने बच्चों को करने के लिए, देखिए। You are so fast, Sharvi. So this is the petting farm. So यहाँ पे काफी सारे animals हैं, तो आप यहाँ पे उनको pet कर सकते हो और उनको feed भी कर सकते हो. So you have to buy their food and you can feed them. तो काफी सारे animals थे यहाँ पे, farm animals जैसे sheep हो गया, horse, काफ़ी सारे हैं। और बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आता है ये करने में, इवन बड़े लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता है, मज़ा आता है ये सारा इनको पेट करने में, फीड करने में।
ये देखिए सब कोई एंजॉय कर रहे हैं। It's so hungry. You just took the whole thing, didn't you? Yeah. और ये यहाँ पे देखिए ऐसे बच्चों के लिए पूरा ऐसा ट्रैक बना के रखा है और बीच में सारे फार्म एनिमल्स हैं। और ये देखिए यहाँ से ऐसे बाइसिकल है, ये एंड हर्षा भी एंड अनाइस इज कमिंग फ्रॉम देयर। बच्चों के लिए काफी सारी एक्टिविटीज है यहाँ पे। यहाँ पे दीपक और सुमेधा रोहित शेट्टी की मूवी के जैसे बिल्कुल स्टंट करके रोहित शेट्टी की मूवी। अरे देख और गुस्सा आ गया इसको। चीकू तो यहाँ पे आउटडोर गेम्स भी रखे हैं फॉर अडल्ट्स एंड फॉर द किड्स। ये बास्केटबॉल है और रग्बी बॉल है तो सभी को इंजॉय कर सकते हैं, हर एज ग्रुप के लिए है यहाँ पे। और ये बाउंसिंग पैड है तो यहाँ पे मस्त म्यूजिक चल रहा है और सारे बच्चे जंप कर रहे हैं। अनायशा शार्वी भी है यहाँ पे, उनको काफ़ी मज़ा आता है ये करने में। तो ये भी एक वाटर गेम रखा था उनने, बेसिकली इसमें वो हैंडपम्प लगा है तो आप उसमें डक डाल दिए तो आपको वाटर के प्रेशर फ्लो से वो डक को एक एंड से दूसरे एंड लेके जाना है। और अभी ये पूरा फार्म भी क्लोज हो गया है तो हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, यहाँ से बाहर निकलेंगे कार में जाने के लिए। तो यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पे देखा हमने उनका मेन्यू भी है कि आपको कुछ वहाँ से खाना हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो चार पांच आइटम थे यहाँ पे, जूसेस और लेमोनेड इस टाइप से, कुछ कुछ पाई भी है। तो देखते हैं अंदर कुछ अभी हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई थिंक अभी तो क्लोज हो गया है तो आई डोंट थिंक हमको अभी कुछ मिलेगा यहाँ पे। हैव अ गुड डे। तो अभी हम यहाँ पे शॉपिंग एरिया में आ गए हैं तो यहाँ पे आप यहाँ का उनका फ्रेशली बेक्ड पाई है, केक्स हैं और कुकीज़ हैं तो आप चाहो तो ये सब बाय कर सकते हो। इवन आपको यहाँ पे फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ब्लूबेरीज भी मिल जाएंगी तो इफ़ यू वांट वी यू कैन बाय इट। क्या है मेरी एलिपिनो जैम कैसे होगा? आई डोंट नो स्वीट एंड तीखा। मिशिगन ब्लूबेरी जैम भी है लेने का सोच रहे हैं हम लोग। ब्लूबेरी जैम वैसे भी अच्छा लगता है तो यहाँ का ट्राई करते हैं कैसा होगा। चलिए एक ब्लूबेरी पाई ट्राई द ब्लूबेरी पाई। वी आर टेकिंग द थ्री आइटम्स, पाई, कुकीज एंड जैम, राइट? बोला ना वहाँ से ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी नो तो रखी ना है। सो फाइनली अभी बिलिंग भी हो गई है, एवरीथिंग इज डन।
We are going back to our car. Let's go. आधी जनता वहाँ पे वेट कर रही है हमारा बाहर, तो चलिए अब चलते हैं कार के पास. तो अभी हम अपनी कार के पास आ गए हैं. तो एक पार्किंग एरिया भी इनका काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इनफ स्पेस है यहाँ पे, आप पार्क कर सकते हो. जब हम आए थे तब काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी, बट अभी तो एक दो ही बची हैं, वी आर द लास्ट वंस. और ये पूरा फार्म है, तो ये देखिए काफ़ी बड़े एरिया में इनका ये फार्म बना हुआ है. और यहाँ पे पोर्टेबल बाथरूम्स भी हैं, यहाँ इन्हें पार्किंग एरिया में भी रखे हैं और अंदर भी थे पोर्टेबल बाथरूम्स तो यूज़ करने के लिए. और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, सी यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग.